अच्छा सा चैलेंज जो आप लोग को मजा आएगा। मैं कह रहा हूँ 40 ग्राम्स मैं पूरे दिन में स्पेंड करूँगा, उसमें मेरा लंच होगा, ब्रेकफास्ट होगा, डिनर होगा, और उसमें मैं जो भी खाऊंगा मैं वो इंक्लूड करूँगा पानी के अलावा, पानी तो मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। तो 40 ग्राम्स आपको जैसे पता है दुबई बहुत एक्सपेंसिव है, तो चलिए चैलेंज शुरू करते हैं। मैंने सोचा मैं जाऊंगा क्रिस्पी क्रीम और साथ दे उनका डोनट आ रहा, तो मैंने चलो उधर ही चले जा रहे हैं, कोई डोनट ले लेते हैं। तो मैं अभी गुजर रहा था और मैंने देखा कि एक चॉकलेट की शॉप कितनी अच्छी है और ये भी एक चॉकलेट की शॉप है, दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने कितने अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। और आज मैं ये नहीं खा सकता क्योंकि आज मैं बजट पे हूँ, आपको पता 40 ग्राम्स का, तो मैं आज बजट पे हूँ तो मैं सिर्फ बजट वाला खाऊंगा। ये बहुत मजे का है क्योंकि एक केकी टेक्सचर है इसका और ये ग्लेज मतलब आपको फ्लेवर भी आ रहा है, मतलब ये थोड़ा सा ठंडा भी और मतलब इतना भी गर्म नहीं इतना ठंडा भी नहीं है दोनों, तो मतलब अच्छा लग रहा है। और ये इसका केकी टेक्सचर मतलब बहुत मजे का। अभी मैं खाऊँगा चलते चलते इनके जोर की अजान हो गई, मुझे नमाज पढ़ी और जोर पढ़ने के बाद हम लोग खाएंगे लंच और देखते हैं हम लंच में क्या खा सकते हैं। तो हो चुका है, मैं जोर की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तो अभी मैं आपको मस्जिद में खाता हूँ। इतनी क्लीन होती है हर जगह नमाज पढ़ने में मज़ा आता। तो मैं लंच के लाई हूँ वेंडीज और वेंडीज में मैंने मंगाए एक बीफ बर्गर जो मीर में मिल रहे और मेरे पास वाउचर था तो मैं 21 दिनों में ले रहा हूँ, अब तो 26 का था तो मेरे पास वाउचर था तो मैं 21 का ले रहा हूँ और मैं आपको रिसीप्ट दिखा रहा हूँ। तो मैंने स्पेंड कर लिए 21 और 6 7 और मेरे पास इतने पैसे होंगे तक कि मैं शावरमा ले लूँगा, तो मेरा 41 का चैलेंज कम्प्लीट हो गया। ये देख सकते हैं मेरा पूरा मील आ चुका है 21 दिनों में, और आप देख सकते हैं कूपन से हम लोग ने कैसे 6 ग्राम बचाया। अभी मैं आपको बताता हूँ मेरा बर्गर कैसा है, अब लोग देख सकते हैं वो इधर वेंडीज का लोगो भी गर्म, आप लोग देख सकते हैं क्या अच्छा लग रहा है बर्गर, उसका बीफ क्या मज़े का लग रहा है। इसमें सबसे पहले मुझे टमाटोज रिमूव करने लगते हैं, मुझे टमाटोज नहीं पसंद और अनियंस भी नहीं मेरे बर्गर पर, अब सही हुआ बर्गर। और अब मैं देखता हूँ कैसा क्या मज़ेदार जूसी फ्लेवर है उसका, मीट बहुत फ्लेवरफुल है और उसकी जो चीज़ है ना ये मतलब बिल्कुल सही है, ना तो कोई मतलब इतनी ठंड मतलब ना तो मतलब बिल्कुल चीज़ है या तो बिल्कुल सब मेल्टेड चीज़ है, मतलब इन बिटवीन जो मतलब बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं और केचप के साथ बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। यार मज़ा ही आ गया बर्गर खाने पर। आज का चैलेंज तो मेरा फेवरेट हो गया क्योंकि मुझे बहुत कुछ खाने का, आप देख सकते हैं इसके फ्रेंच फ्राइज भी क्या मज़े के लग रहे हैं, एक खा कर बताते हैं कैसे। फ्रेंच फ्राइज की ये परफेक्शन है कि ना तो कोई मतलब सॉफ्ट है ना तो कोई इतनी क्रिस्पी, इन बिटवीन है तो मुझे आपको बहुत अच्छे फ्लेवर मिलते हैं। और उसके फ्राइज के जो सॉल्ट है ना उस पर बहुत मज़े का है, उसका बर्गर भी और उसकी जो ड्रिंक है ना इसमें ये अच्छी चीज़ है कि इसमें आइस कम है क्योंकि ज़्यादा ड्रिंक पर इतनी ज़्यादा आइस होती है। तो मेरा बर्गर इतना ही नहीं, मुझे आपसे बात नहीं हुई तो मैं लंच के बाद आपको मिलता हूँ। तो
अभी मैंने अपना पूरा रन फिनिश ऑफ कर लिया और मुझे बिल्कुल फिनिश ऑफ कर लिया तो मुझे एटलीस्ट 3-4 घंटे तक भूख नहीं लगी। और जब मैं घर पहुँचूँगा मैंने एक शावरमा ढूँढा 10 रंग का, वो मैं मंगाऊँगा और फिर तब मैं मंगाऊँगा। मेरे पास 2 गर्म बाकी डिस्काउंट में, ये मैं चैलेंज जीत चुका हूँ और तो मैं ये चैलेंज जीत चुका हूँ। तो मैं भी दिल्ली का चक्कर थी, दुबई इतना एक्सपेंसिव है और फिर भी मैंने 2 डरम बचा ली, मैंने इतना अच्छा खाना खाया। देख सकते इतनी अच्छा है फूड कोर्ट क्या, मैं बिलीव नहीं कर सकता मैंने इतनी अच्छी जगह में चैलेंज में 2 गर्म बचाए। 2 गर्म मैंने जोमेटो पर देखा और मैंने देखा कि 7 गर्म की शावरमा मिल रहा है और फिर मैंने सोचा फिर मुझे 5 गर्म बचेंगे और 5 गर्म में मैंने सोचा मैं केयरफूड में देख लेता हूँ कोई मतलब कोई सस्ती आइसक्रीम मिल जाए 5 गर्म की। और अगर मैं 40 रम स्पेंड कर भी लेता हूँ फिर भी चैलेंज कम्प्लीट हो जाएगा, बस मुझे 40 से ज़्यादा नहीं स्पेंड। ऑलमोस्ट हर लोग डिज़र्ट पे एंड होते तो मैं चाहता हूँ ये लोग भी डिज़र्ट के साथ एंड होते तो चेक करते हैं कैसे। मैं आ चुका हूँ केक और इधर इतने सारे आइसक्रीम के ऑप्शन है और मैं होप कर रहा हूँ कि इधर 5 दरम की कोई आइसक्रीम। आइसक्रीम बहुत मज़े की क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्लेवर है, इसमें मतलब ब्लूबेरी है, रास्पबेरी है, स्ट्रॉबेरी, तो मतलब बहुत मज़े का है आइसक्रीम और बहुत मज़े की है। तो मैंने लंच कर लिया और अब हो चुकी है रात और जैसे मैंने आपको बोला था मैंने ले लिया शावरमा बाहर से और उसके साथ मुझे मिले फ्री ऑलिव्स और कैरेट्स। तो अभी मैं देखता हूँ कि रिव्यू उसका और इसमें ये अच्छा है क्योंकि इसमें पिकल और मुझे अपने शावरमा पिकल अच्छा लगता है। क्या मजे का क्रिस्पी गरम और इसकी जो पिकल है ना ये मतलब इसकी पिकल है ना बहुत मजे है, ये मतलब थोड़ी सी स्पाइसी भी थोड़ी सी जूसी भी लेमन भी है। तो अब मैं खाकर ट्राई करता हूँ ये ऑलिव और देखते हैं कैसे। मुझे ऑलिव बिल्कुल भी नहीं पसंद लेकिन मैं आप लोगों के लिए ट्राई किए थे। तो 7 तीरे में तो शावरमा बहुत अच्छा है, इतना सॉसी भी है, इसमें चिकन भी, इसमें पिकल्स भी और इतना क्रिस्पी भी और ये मतलब बहुत मज़े का है। तो 7 दिन में तो बहुत अच्छा है। आपको आज का व्लॉग पसंद आया और आप लोग देख सकते हैं मैंने 2 दिरहम बचाए हैं, एक मुझसे गिर गया गलती से लेकिन आप लोग देख सकते मैंने 40 दिरहम चैलेंज से 2 दिरहम बचाए। और अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको नहीं भी पसंद आया यार देखिए मैं मासूम सा बच्चा हूँ, प्लीज़ भी सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ कॉमेंट करें क्योंकि मुझे आपके कॉमेंट्स पर अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कॉमेंट करें और आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।